न्यूज और मैं हूँ आपके साथ सुप्रिया जासर। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं आज के सुर्खियों से। चलती मारुति वैन में लगी आग, धू धू कर जल उठा वैन। कूद कर वाहन चालक ने बचाई जान, वाहन में सवार एक मरीज की हुई मौत, मचा कोहराम। गिरिडीह स्टेडियम में हुआ मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल मैच का शानदार आगाज, वरीय अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों ने किया उद्घाटन। अगले 22 अगस्त तक चलेगा टूर्नामेंट, जिले भर की टीमें ले रही है हिस्सा। स्टेशन रोड में दो पक्षों में हुई मारपीट, एक पक्ष के लोग पहुंचे थाने, FIR दर्ज नहीं होने पर किया हंगामा, बाद में पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। गार्डेना गली के लोगों पर लगा है मारपीट व छिनतई का आरोप। और गिरिडीह DC राजेश पाठक का हुआ तबादला, देवघर DC राहुल कुमार सिन्हा होंगे गिरिडीह के नए उपायुक्त। इधर नगर निगम के आयुक्त का भी हुआ प्रमोशन, अब जामताड़ा के उपायुक्त के रूप में संभालेंगे पदभार। अचानक एक चलती हुई मारुति कार में आग लग जाने से कार में सवार एक मरीज की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर ने किसी तरह अपनी जान बचा ली। वहीं परिजन इस मामले को लेकर गंभीर जांच की मांग कर रहे हैं। घटना सोमवार देवरी की है। चलती हुई मारुति कार में अचानक आग लग जाने से सोमवार को देवरी के बिलकुशी नदी के समीप सनसनी फैल गई। देखते ही देखते मारुति वैन जलकर खाक हो गया। बताया गया कि मारुति वैन तीसरी से मरीज को लेकर गिरिडीह आ रही थी, इसी क्रम में अचानक यह हादसा हो गया। इस दौरान गाड़ी में बैठे ड्राइवर ने कूद कर अपनी जान बचा ली, लेकिन गाड़ी के अंदर रहे मरीज की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही देवरी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दिया। मरीज की मौत से परिजनों में मातम पसर गया है। नाते रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल था। सभी इस मामले में जाँच की मांग कर रहे हैं। राजेश कुमार पाठक का तबादला हो गया है। अब नए DC के रूप में राहुल कुमार सिन्हा अपना योगदान देंगे। फिलहाल वह देवघर के DC है। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर IAS अधिकारियों का तबादला हुआ है। इस कड़ी में गिरिडीह DC और नगर आयुक्त का स्थानांतरण भी कर दिया गया है। श्री विमल को प्रमंडलीय आयुक्त उत्तरी छोटा नागपुर से हटाकर प्रमंडलीय आयुक्त संथाल परगना बनाया गया है। इधर बोकारो DC कृपानंद झा को निदेशक उद्योग की जिम्मेवारी दी गई है। इसी तरह विनोद कुमार निदेशक प्राथमिक शिक्षा को प्रमंडलीय आयुक्त दक्षिणी छोटा नागपुर बनाया गया है। इधर अरविंद कुमार विशेष सचिव नगर विकास विभाग को प्रमंडलीय आयुक्त उत्तरी छोटा नागपुर के पद पर भेजा गया है। DC जामताड़ा जटाशंकर चौधरी को निदेशक माध्यमिक शिक्षा की जिम्मेवारी मिली है। इधर गणेश कुमार नगर आयुक्त गिरिडीह को जामताड़ा DC बनाया गया है। गिरिडीह DC राजेश कुमार पाठक को विशेष सचिव कृषि विभाग की जिम्मेवारी दी गई है। इसी तरह अनिल कुमार राय विशेष सचिव पर्यटन विभाग में थे, उन्हें नगर आयुक्त गिरिडीह बनाया गया है। इधर मुकेश कुमार निदेशक उद्योग विभाग को बोकारो DC की जिम्मेवारी दी गई है। देवघर के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा को गिरिडीह DC बनाया गया है। इधर DDC साहेबगंज नैन्सी सहाय अब देवघर DC होंगी। इधर देवघर DDC सुशांत सौरभ को निदेशक उच्च शिक्षा बनाया गया है। रांची के सदर SDO गरिमा सिंह अवर सचिव स्कूली शिक्षा बनाई गई है। वहीं लोकेश मिश्रा को रांची सदर SDO बनाया गया है। आदित्य कुमार आनंद संयुक्त सचिव स्कूली शिक्षा को निदेशक प्राथमिक शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इस तरह विधानसभा चुनाव से पहले इन तबादलों को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप प्रतियोगिता सोमवार से गिरिडीह स्टेडियम में शुरू हो गया है। इस चार दिवसीय टूर्नामेंट में विभिन्न जिलों के कई खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। जिला प्रशासन के सौजन्य से सोमवार को जिला स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप प्रतियोगिता का आयोजन गिरिडीह स्टेडियम में किया गया। यह प्रतियोगिता बालक और बालिका वर्ग में बांटकर संचालित कराया गया। बताया गया कि प्रतियोगिता में गिरिडीह, तिसरी, डुमरी, बेंगाबाद, देवरी, सरिया, गांवा, पगोदर, बेनी, जम्वा, राजधनवार और पेटाण की टीम ने हिस्सा लिया है। बताया गया कि 19 अगस्त से 22 अगस्त तक यह प्रतियोगिता संचालित होगी। इस प्रतियोगिता के उद्घाटन मौके पर बतौर मुख्य अतिथि विधायक निर्भय शहबादी शरीक हुए। वहीं अन्य अतिथियों में उपायुक्त राजस्व संघ के अध्यक्ष अशोक उपाध्याय, SDPO जीतपान राव, SP संतोष मिश्रा, DPRO रश्मि सिन्हा आदि मौजूद रहे। मौके पर गुब्बारा उड़ाकर प्रतियोगिता का आगाज कराया गया। बाद में तमाम खिलाड़ियों से बारी बारी सभी अतिथि रूबरू होकर उनकी हौसला अफजाई की। बताया गया कि जिले में खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन की ओर से इस प्रतियोगिता का शुभारंभ कराया गया है। उद्घाटन की औपचारिकताओं के बाद टूर्नामेंट के पहले दिन गिरिडीह और तिसरी के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। ताली ना बजाए उसके हाथ में खुजली हो जाए, इसलिए आपके हाथ में खुजली ना हो। एक बार जोरदार ताली की गड़गड़ाहट के साथ ही समत पूरी तरीके से समत पूरी तरीके से गिरिडीह ने शांति का यह और बहुत सारे विभागों से आए हुए और तमाम पदाधिकारी तमाम जवाब है। मोहम्मद सिराज जी के द्वारा इसी तरह से हम आए तमाम हजारों हजार दर्शकों का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जिला प्रशासन के खेल विभाग की ओर से कि आप लोग आते हैं और फुटबॉल के इस धुरंधर को जो सरकार की मंशा है कि क्रीड़ा के जगत में झारखंड आगे बढ़े, लोग शारीरिक स्वस्थ हो बढ़े, लोगों में एक समन्वय बने और खेल के प्रति आकर्षण हो, इसमें निश्चित रूप से सफलता प्रतीत होती दिखाई पड़ रही है। जो उद्देश्य रहा है कमल क्लब का गठन का और कमल क्लब के गठन के माध्यम से अपने प्रतिभावान खिलाड़ियों को जिला से निकालना है, ऐसे में हम समझते हैं कि हम लोग को सफलता मिली है और मुझे उम्मीद है कि गिरिडीह जिला से जो टीम जाएगी प्रदेश में खेलने के लिए, निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं अच्छे ढंग से अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास करेगी। और मेरी बहुत बहुत शुभकामना है और जो खेल का आयोजन में जिस तरह से जिला प्रशासन ने और खेल के जो कर्ता धरता है खेल खिलाड़ी, उनको मैं अपनी ओर से साधुवाद देता हूँ। जैसे खेल के प्रति एक गांव स्तर से लड़के को चयनित करके उठा करके जिला स्तर पर प्रतियोगिता करा करके इस तरह से होगा कि किसे फुटबॉल खेल का भावना इस पूरे झारखंड में बढ़ेगा और इसे उभर करके जो जो इस चयनित होंगे वो स्टेट लेवल तक खेलेंगे। तो हमारे सारे आज गिरिडीह की टीम और तीसरी की टीम दोनों की टीम को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। प्रत्येक जिले के सभी जो स्टेडियम थे उस स्टेडियम में भी जान आया है, उसमें भी रौनक बढ़ी है और खेल खिलाड़ियों के मन में उत्साह आया है और सरकार के प्रति सकारात्मक सोच आया है। खेल से एक तो शारीरिक स्वास्थ्य मिलता है, मानसिक स्वास्थ्य मिलता है और एक सामाजिक सौहार्द बनता है जिसमें सभी समाज के हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो महिला हो वो पुरुष हो, एक अनेकता में एकता का काम होता है। इसलिए यह बहुत जरूरी खेल था। माननीय मुख्यमंत्री को बधाई और धन्यवाद देते हैं, इस खेल को और बढ़ावा दिया जाए ताकि इस खेल के माध्यम। मनांचल कॉलेज मैदान में चल रहे दो दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल रविवार को खेला गया। यहां पदरोडी ने मोहनपुर को हरा कर खिताब पर कब्जा जमाया। यह प्रखंड स्तरीय प्रतियोगिता कमल क्लब द्वारा आयोजित किया गया था। कमल क्लब द्वारा आयोजित प्रखंड स्तरीय दो दिवसीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच रविवार को डाणीडीह के वनांचल कॉलेज के मैदान में पत्रोडी व मोहनपुर के बीच खेला गया, जिसमें मोहनपुर को हराकर पत्रोडी ने खिताब पर कब्जा जमा लिया। मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक निर्भय कुमार शहबादी व सदर BDO विभूति मंडल ने विजेता व उप विजेता टीम को कप देकर सम्मानित किया। मौके पर कमल क्लब के जिलाध्यक्ष रंजीत कुमार राय, सचिव रोहित कुमार सिंह, अजय कुमार, राजकिशोर साह,
आकाश विश्वकर्मा, मंगल पुरुषोत्तम राय, मोहम्मद इस्तेखार, गुलाब सिंह, प्रमोद कुमार, अरविंद दास, नवीन रजक समेत कई खेल प्रेमी मौजूद थे। मंच के सामने जो भी लड़के खड़े हैं, जो मेरे भाई हैं, वो कितना बैठ जाए मुख्यमंत्री आमंत्रण कप फुटबॉल पूरे जिले में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज गिरिडीह कमल क्लब के अध्यक्ष के द्वारा आज हरसिंह रेड्डी के पुनांचल कॉलेज में फाइनल मैच खेला गया। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इस मैच में आकर के और जो विजेता और जो रनर अप है दोनों को पुरस्कृत किया गया। ये खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार की बहुत अच्छी पहल है और मैं कह सकता हूँ कमल क्लब के अध्यक्ष रंजीत सिंह और उनकी पूरी टीम बहुत अच्छे ढंग से खेलों को प्रोत्साहित कर रही है। और फुटबॉल ही ऐसा खेल है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता लोगों की हो रही है और इसमें शारीरिक सौष्ठव और कला ये दोनों मिक्स है और इसके तहत में फुटबॉल सबसे लोकप्रिय हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही लोकप्रिय फुटबॉल है। ऐसे में इस तरह के आयोजन करने से लोगों का मनोबल और ताकत बढ़ता है। बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री फुटबॉल आमंत्रण जो खेल हो रहा है हर वर्ष की भांति इस बार भी प्रखंड स्तरीय खेल का आयोजन इस मैदान में किया गया है जिसमें पत्रो टीम विजयी हुई है और कल से 19 से 22 तारीख के बीच में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता हो रही है जिसमें हमारे प्रखंड की टीम का मुकाबला पहले दौर में तीसरी के साथ होगा कल 10 बजे। तो आशा करते हैं कि हमारी टीम अच्छा करेगी। काजी मोहल्ला के सलाउद्दीन आलम नामक व्यक्ति के साथ सोमवार को स्टेशन रोड में कुछ दबंगों ने जबरन मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया, जिसकी शिकायत करने जब वह थाना पहुंचे तो वहां FIR दर्ज करने से मना कर दिया गया। इसके बाद परिजनों ने खूब हंगामा किया। नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड में दो गुटों में हुई मारपीट के बाद एक पक्ष ने नगर थाना में जमकर हंगामा किया और प्रशासन से आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। बताया गया कि गाटना गली के रहने वाले बंटी यादव, सचिन यादव, मुन्ना खटिक, धनु यादव, सनी सिंह आदि लगातार काजी मोहल्ला के रहने वाले सलाउद्दीन आलम के साथ मारपीट कर रहे थे। सोमवार को भी सलाउद्दीन किसी के शादी का सामान लेने के लिए ICR रोड गया था जहां आरोपी पक्ष ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ जमकर मारपीट की। घटना को लेकर सलाउद्दीन के परिजन और स्थानीय लोग नगर थाना पहुंचे और FIR दर्ज करने का आग्रह किया। इस क्रम में FIR दर्ज नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए सलाउद्दीन के परिजनों ने हंगामा किया। मौके की नजाकत को समझते हुए पुलिस ने इनका आवेदन रिसीव किया और इंजरी के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। यहां पीड़ित पक्ष का कहना है कि आरोपी पक्ष दबंग परिवर्ती के लोग हैं और हमेशा मारपीट पर उतारू रहते हैं और धमकी भी देते रहते हैं। इनका आरोप है कि मारपीट के बाद इनके पास से 10,000 रुपए नगद भी उन लोगों ने छीन लिया है। क्या होगा? अरे सब होगा।
चंदा के पैसे से हम लोग फ्रिज व्रिज खरीदने का सामान इंतजाम कर रहे हैं खरीदने का, तो वही मेरे छोटा भाई और उसके साथ गया है सामान लाने के लिए, सामान लाने के लिए। तो उसमें मुन्ना खटीक, बंटी यादव, दिने है ना, सन्नी यादव, और भी पांच लड़के हैं, पांच छह लड़के और भी है, टोटल 10 लड़के थे, 10-12 लड़के हैं, है ना। वो सब बंदूक सटा करके बोलता है तिरंगा चौक के पास, है ना, वही गांधी चौक से तिरंगा चौक के बीच में कहीं पे बोलता है क्या कि जय श्री राम बोलो अगर इंडिया में रहना है तो। और NRC क्या पासवर्ड पता नहीं हम लोग NRC के बारे में, है ना, जो क्या हम लोग पता नहीं कि यहाँ कोई मुसलमान के लिए, तो वो दिखाओ 1991 घर से, बताइए हम लोग 1991 का NRC कहाँ से लेके चलेंगे। और वो 10,000 से 12,000 फ्रीज का पैसा था वो भी छीन लिया गया। मेरा भाई को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा, आप लोग देख सकते हो उसको, ठीक है। और हम लोग को इंसाफ चाहिए, इससे पहले भी हम लोग 2 बार कंप्लेन कर चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं, केवल इसलिए दिखा तो उसके बाद बाल पकड़ा, बाल खींच करके बाहर निकाल दिया और लेकर के अंदर गली, मंदिर है, मंदिर के बगल में अलग एक गली है, वहाँ पर ले जाकर घुसा रहा था, रिवॉल्वर टांग दिया था मारने के लिए, और पैसा सब छीन लिया, पैसा ही प्रॉपर्टी फट गया, कपड़ा ही फटा हुआ है। कौन सी नारा लगाने बोला था? मोबाइल है। कब की घटना है ये? अभी देखी बंटी यादव एक भैया थे वही बचा लिए, चला ही देता गोली। कहाँ पे घटना घटी? तिरंगा चौक CMR होटल के पास। कितने लोग थे वो लोग? 8 लोग। आप? हम अकेले थे, सामान लाने गए थे, शादी का सामान लाने गए थे। क्या क्या नाम है मारने वाला? नाम बंटी यादव है और नाम हमको याद नहीं, हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग उसी पर काम ही नहीं रहता है। बोलो। हम लोग जा रहे थे शादी सामान लाने, दही पनीर उनीर, तो पीछे से हम लोग जा रहे थे, पीछे से आया बंटी यादव लोग, गाड़ी रोका और बस मारना स्टार्ट किया। सचिन यादव के साथ 8 भी आदमी था, सचिन यादव था, फिर बंटी यादव था उसका भाई, फिर सिंघानिया था, घंटू था, फिर ये भी था, मुन्ना खाटी लोग था, सब मारने लगा, गली के अंदर खींच के ले गया। कहाँ पे? CMR यहाँ पे मिठाई दुकान पे। बोलता जय श्री राम बोलिए। बोलो जय श्री राम बोलो, भारत में रहना है, झारखंड में है, जय श्री राम बोलो। इससे पहले मेरी पत्नी, 2 महीना पहले मेरी पत्नी, हम गाय पालते हैं, दूध बेचते हैं, हमारी पत्नी घरेलू करती है, तो वो गई लाने के लिए, क्या कहते हैं, गाय पंपू तालाब तरफ से, तो वहाँ पर हमारी पत्नी को रोक करके बोला कि गाय कहाँ ले जा रहे हो, तो ये गाय हमारी है, तो बोल के नहीं सब नहीं चलेगा। वहाँ पर भी गला का हार आ ये पाजेब छीन लिया था, और वो लिखा करके थाना में दिए, थाना वालों ने उल्टा मेरे बेटे पर केस कर दिया। आज क्या क्या हुआ? आप उसके बाद सुनिए, उल्टे मेरे बेटे पर थाना केस कर दिया, उसके बाद बड़ा बाबू से मिले, बड़ा बाबू को बोलते हैं कि जाइए, बड़ा बाबू उस वक्त जो थे वो हमको डांट करके भगा दिन कि भागो यहाँ से, ये लफ्ज था बड़ा बाबू का कि भागो यहाँ से। अभी के दौर में मुसलमानों का सुनने वाला कोई नहीं है, जाके डर के रहिए आप, ये बड़ा बाबू का बोली है जो मोटे सन थे गोरे सर, वो उनकी आज क्या हुआ? आज क्या कहा है? वहाँ पर जाके रिवाल्वर दिखा करके बच्चों के साथ, उसकी गलती ये थी कि नीचे बैठ करके लड़की लोग को छेड़छाड़ करता था, वो मना किया तो वो किया। एक विधवा अपने 2 बेटों के साथ सोमवार को समाहर नाले में अमृत आंसन पर बैठ गई। बताया गया कि कुछ लोगों द्वारा जबरन उनकी जमीन हत्याने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके विरोध में लगातार आंदोलन कर रहे हैं। धनवार के रहने वाले सुखदेव मोदी, अरविंद मोदी एवं उनकी मां मौसमा चिंता देवी एक बार फिर समाहरणालय परिसर में आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। दरअसल इनकी जमीन के विवाद को लेकर यहां लगातार प्रखंड प्रशासन
जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री जनसंवाद तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा। इनका कहना है कि बार बार अधिकारियों की ओर से इन्हें आश्वासन दिया जाता है, लेकिन कार्यवाही कुछ भी नहीं होती, जिससे मजबूर होकर उन्होंने फिर से आंदोलन का रास्ता अपनाया है बताया गया कि गांव में इनकी जमीन कुछ लोग हथियाने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार तुलसी महतो, अयोध्या महतो और लखन महतो आदि डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, जिससे इनकी जमीन पर कब्जा हो जाने का खतरा मंडराता जा रहा है। इसी डर से यह लोग प्रशासन के दरबार में गुहार लगाने आए हैं। 2019 को हमने आवेदन दिया था उपायुक्त महोदय को, जो हमारी एक जमीन है जिस पर हम मंदिर भी बना रहे हैं, घर भी बना हुआ है, खाता नंबर 1 प्लॉट नंबर 15 से है, खाता नंबर 4 प्लॉट नंबर 14 की माँ तो बगल में पड़ता है, उसने हमारा रास्ता बंद कर दिया। जब से मंदिर बनाने का काम शुरू किया, 3-3 बार जग कराए, तब तक वो खुला ही था। आज के दिनों में गेट लगा के बंद कर दिया है। कई बार हम लोग के साथ मारपीट किया गया है और हम लोग को कहीं सुनवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री के यहाँ कई बार आवेदन दिए, कई बार जा कर के मिले, मुख्यमंत्री से भी मिले, वहाँ से आवेदन आया। यहाँ के जो CO कर्मचारी अंचल से जो हैं, ये बार बार समस्या को जस के तस रख देते हैं और रह रहा है, और उसके केस नंबर केवल बदलते जा रहा है। पहला केस नंबर 2015 में जब मुख्यमंत्री 181 ने जब दिया था केस, तो 18,940 था, समस्या जस का तस है। दूसरा केस नंबर बदल गया 20,152, समस्या जस का तस है। फिर तीसरा केस नंबर बदल गया 26,600, और समस्या में क्या बढ़ोतरी हो गया कि गेट लगा के मुंह पे बंद कर दिया है और अब न घुसने देते हैं, न हम लोग उसमें जा सकते हैं, न तो आ सकते हैं, और पूरी जमीन अपनी खटाल बना ले रखा है। उधर मंदिर का भी स्पॉट है, वो भी धास दे रहा है, और इधर में घर है बना हुआ एक तरफ में, वो उसमें घुसने नहीं देता है। हम लोग किसी भी तरह से, बगल के एक पड़ोसी हैं, उसके आंगन से निकल के अपनी दीवार फांद करके एक दीप रोज हम अपना जला लेते हैं, एक आदमी घुस के, और काफ़ी दिनों से हम लोग ये कर रहे हैं, लेकिन यह निराकरण नहीं होता। उपायुक्त महोदय के आदेश के बावजूद भी ये आज तक न कोई त्वरित कार्रवाई हो रही है, न तो कोई निराकरण हो रही है। हम लोग पानी में भींग रहे हैं, और ये भींग तब तक के यहाँ हम लोग बैठे हैं कि जब तक के हमारा निराकरण नहीं हो जाएगा, तब तक हम लोग बैठे हैं, ये पानी में भींग रहे हैं। बारिश होगा, जितनी भी बारिश हो, पत्थर हो, जो कुछ भी होगा, हम लोग यहाँ 3 जन बैठे हैं, हम हैं, हमारी माँ है, हमारा भाई है, और ये जब तक निराकरण नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ बैठे हैं। चाहे पानी पड़े, पत्थर पड़े, कुछ भी पड़े, इसका निराकरण हम लोग को जब तक देंगे नहीं, तब तक यहाँ से हम लोग उठेंगे। क्या नाम है? जितना दिन भी हम लोग को बैठना। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुखदेव प्रसाद मोदी। मुफस्सिल थाना के जबजबो मोड़ के पास सोमवार को हुई सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई। एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल के चपेट में आने से वह हादसे का शिकार हुई। मृतिका का नाम सकीना खातून बताया गया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जगजगो मोड़ के पास एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल से एक महिला को ठोकर लग गई। घटना में महिला बुरी तरह घायल हो गई। आनंद फानंद में उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मृतिका का नाम सकीना खातून बताया जा रहा है। बताया गया कि मृतिका अपने घर से गाड़ी बैठने के लिए जगजगो मोड़ आई थी। इस दौरान एक मोटरसाइकिल सवार ने उसको ठोकर मार दी। इधर मोटरसाइकिल सवार को भी हल्की चोट आई है। बर के गाँच है वहाँ पर, हम लोग दोनों परिवार हम लोग खड़ा थे, और उसका उसके बाद में रोड है, यहाँ हम लोग पास से खड़ा, अब दो चक वाला आया, इसके हम छोर से पास रहा, उसको मार के एक पूरा भरते रहा, कुछ भी चले गए सब तरह जाए। क्या नाम है उसका? क्या नाम है? सकीना खातून। आपका क्या नाम हुआ? कहाँ पर यह घटना हुई? सेना दिल पैसा थी। कब हुआ? गणेश महोत्सव की तैयारियों आदि को लेकर श्री गणेश महोत्सव पूजा महासमिति द्वारा रविवार को शिव महावीर मंदिर में एक बैठक की गई। मौके पर कमेटी का पुनर्गठन किया गया। श्री गणेश महोत्सव पूजा महासमिति की एक बैठक
रविवार को टावर चौक स्थित शिव महावीर मंदिर के प्रांगण में संपन्न हुई। यहां बैठक की अध्यक्षता समिति के संस्थापक नित्यानंद प्रसाद ने की। वहीं बैठक में संस्थापक सदस्य विष्णु सिंह, रिंकेश कुमार, शिव पूजन कुमार, नागेंद्र कुमार, शिव शक्ति साह, डॉक्टर तारकनाथ देव, आशुतोष तिवारी, मानवेंद्र पाठक, रितेश पांडे, कुंदन केसरी, उत्कर्ष पांडे सहित कई लोग उपस्थित थे। बैठक में मुख्य रूप से आगामी 2 सितंबर को गणेश चतुर्थी के मौके पर भव्य रूप से श्री शिव महावीर मंदिर के प्रांगण में गणेश महोत्सव मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में पूजा कमेटी का पुनर्गठन भी किया गया। कमेटी के संरक्षक मानवेंद्र पाठक, विष्णु सिंह व सुबोध प्रकाश बनाए गए। बैठक में अध्यक्ष का दायित्व डॉक्टर तारकनाथ देव को दिया गया, जबकि सचिव अजीत भदानी बनाए गए। उपाध्यक्ष रिंकेश कुमार और संदीप सिन्हा बनाए गए। सह सचिव आशुतोष तिवारी और शिवपूजन कुमार तथा कोषाध्यक्ष चंदन सिन्हा बनाए गए। शिव शक्ति साहा को संयोजक का दायित्व दिया गया। इसके अलावा कई सदस्यों को कार्यकारिणी समिति में शामिल किया गया। यहां बैठक की अध्यक्षता करते हुए नित्यानंद प्रसाद ने कहा कि समिति के द्वारा विगत 20 वर्षों से गणेश महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कहा कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान गणेश की भव्य प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जाएगी। कहा कि महोत्सव के भव्य आयोजन को लेकर अगली बैठक में एक उप समिति का गठन करने के साथ ही सभी सदस्यों को दायित्व सौंपा जाएगा। इस बार जो है 19 वर्षों से गणेश महोत्सव यहाँ बड़ा ही धूमधाम से गिरिडीह शहर में गणेश भक्तों के द्वारा मनाया जाता रहा है। इस बार 20वां साल गणेश महोत्सव मनाने हेतु हम लोग सब बैठे और इस बैठक में सर्वसम्मति से नियमानुसार हर एक साल एक नई समिति का गठन किया जाता है और उसके तहत आज फिर विचार विमर्श कर नई समिति का गठन वर्ष 2019 गणेश महोत्सव मनाने हेतु बनाई गई, जिसमें सर्वसम्मति से श्री टीएन देव, तारकनाथ देव, डॉक्टर तारकनाथ देव को अध्यक्ष बनाया गया और सचिव के पद पर श्री अजीत भदानी जी और उपाध्यक्ष के पद पर कोषाध्यक्ष में चंदन कुमार सिन्हा और उप कोषाध्यक्ष में शिव शक्ति साहा को रखा गया है। सह सचिव में नगेंद्र चंद्रवंशी और उपाध्यक्ष में संदीप सिन्हा, एक और उपाध्यक्ष है रिंकेश कुमार, एक और सह सचिव शिव पूजन कुमार और संयोजक में रितेश पांडे, मुकेश रजक और कार्यकारिणी में लगभग 11 सदस्य को रखा गया है, जिसमें ज्योति शर्मा है, विपिन सिन्हा है, सुदर्शन चंद्रवंशी है और नवजीवन राज है, गोपाल गुलाब चंद्र है, राजेश राम है, अमित कुमार है, मुन्ना सिंह है, केदार वर्मा है, उत्कर्ष पांडे हैं, आनंद त्रिवेदी हैं, इन लोगों को रखा गया और संरक्षक में सुबोध प्रकाश, मानवेंद्र पाठक और विष्णु सिंह को रखा गया है। संस्थापक में नित्यानंद प्रसाद सिंह। गणेश उत्सव हर साल जो ढंग से होता है इस साल में भी वो ढंग से हो रहा है। ये 20 साल एक गणेश उत्सव यहाँ हो रहा है। हम लोग आगे साल से इस साल और अच्छा से अच्छा करने का हम लोग कमिटी में सहमत लिया गया। पारसनाथ की महत्ता और स्वच्छता पर प्रकाश डालते हुए आयना द्वारा रविवार को मधुबन में एक नुक्कड़ नाटक किया गया। मौके पर कचरा इधर उधर फेंकने के बजाय डस्टबिन इस्तेमाल करने का लोगों से आग्रह किया गया। सांस्कृतिक संस्था आईना रविवार को शिखर जी की सांस्कृतिक यात्रा पर 25 लोगों के साथ गई थी, जिसमें टीम ने सबसे पहले मधुबन में एक नुक्कड़ नाटक का मंचन किया। नुक्कड़ नाटक स्वच्छता व पार्श्वनाथ की महिमा पर आधारित थी। नाटक में यह दिखाया गया कि एक ओर जहां पर्यटक वहां गंदगी फैलाते हैं तथा वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों में इस पवित्र स्थल की पवित्रता व भव्यता का ख्याल नहीं होता है। नाटक में लवलेश ने शिक्षक की भूमिका निभाते हुए अपने विद्यार्थियों को पार्श्वनाथ की महत्ता,
व स्वच्छता पर जानकारी दी। वहीं दूसरी ओर चंद्रशेखर अपने पर्यटक मित्रों के साथ मनपन घूमने आए और वहां लोगों को स्वच्छता की महिमा की जानकारी दी। सड़कों पर फैली हुई गंदगी को अपने साथ लाए थैले में डालकर डस्टबिन में डालने के लिए प्रेरित किया। शराबी की भूमिका में आकाश व पप्पू ने अपनी दमदार भूमिका निभाते हुए लोगों को यह बताया कि हमें अपनी जागीर समझकर हिफाजत से रखें। सूत्रधार व गाइड की भूमिका में निर्देशक महेश अमन ने पार्श्वनाथ की पवित्रता को बताते हुए कहा कि यह गिरिडीह ही नहीं पूरे झारखंड के लिए गौरव का विषय है। हम तमाम लोगों को चाहिए कि इसकी भव्यता में किसी भी तरह की आँच नहीं आए। प्रकृति ने यहाँ विशेष उपहार दिया है। कलाकारों में अमृता, नेहा, प्रगति, नलिनी, वर्षा, बबीता, गौरव, सौरव, पुरुषोत्तम, आदित्य, विकास, तरुण, पप्पल ने अहम भूमिका निभाई। इस यात्रा की दूसरी कड़ी में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। नेहा, बबीता, प्रगति, तरुण और वर्षा, इसके बाद एक और कलाकार पुरुषोत्तम और कैमरा के पास साथ है वो है नलिनी। ये सभी आने कलाकार हैं, साथ में गौरव और सौरव दो भाई। से जुड़ा हुआ होता है यह देश की समस्याओं से जुड़ा हुआ। आज हम सब लोग आपके इस पवित्र भूमि मधुबन में आए हैं और एक नुक्कड़ नाटक आप सबों के सामने प्रस्तुत करेंगे। आप तमाम लोगों में जो मेरी आवाज़ जा रही है वो 10 मिनट का समय निकाल के हम लोगों के बीच पहुंचे। एक नुक्कड़ नाटक जो आपसे जुड़ी हुई है। खुशी के विषय ये रहे कि आईना के जितने कलाकार थे लगभग 25 कलाकार सभी लोग मधुबन गए एक नुक्कड़ नाटक स्वच्छता पर लेकर और पार्श्वनाथ जो गिरिडीह की धरोहर है, झारखंड की धरोहर है, उसकी भव्यता को लेकर हम कैसे उसका संरक्षण कर सकते हैं और ख़ास बात कैसे हम उसको साफ सुथरा रख सकते हैं। वहाँ जो लोग आते हैं, आज जो पर्यटन में लोग आते हैं उनको ये बताया गया, वहाँ जो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो कैसे अपने इस धरोहर को साफ सुथरा रखेंगे, इस विषय पे नुक्कड़ नाटक की गई। नुक्कड़ नाटक बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन हुई और नुक्कड़ नाटक के बाद कलाकारों ने प्रकृति के बीच गए, प्रकृति के मरणम स्थलों को देखा और उसके बाद एक काव्य गोष्ठी की गई। काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता आईना के जो संरक्षक हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ गोस्वामी उन्होंने किया और संचालन परवेश शीतल जी ने किया। कवियों में परवेश जी, लवलेश जी, रितेश शराग जी, महेंद्र नाथ गोस्वामी जी, मैं उपस्थित था। बहुत ही अच्छी कार्यक्रम हुई, बहुत ही अच्छी गोष्ठी हुई। अंत में नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चलती मारुति वैन में लगी आग, धू धू कर जल उठा वैन, कूद कर वाहन चालक ने बचाई जान, वाहन में सवार एक मरीज की हुई मौत, मचा कोहराम। गिरिडीह स्टेडियम में हुआ मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल मैच का शानदार आगाज, वरीय अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने किया उद्घाटन। अगले 22 अगस्त तक चलेगा टूर्नामेंट, जिले भर की टीमें ले रही है हिस्सा। स्टेशन रोड में दो पक्षों में हुई मारपीट, एक पक्ष के लोग पहुंचे थाने, एफआईआर दर्ज नहीं होने पर किया हंगामा, बाद में पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। गार्डेना गली के लोगों पर लगा है मारपीट व छिनतई का आरोप। और गिरिडीह डीसी राजेश पाठक का हुआ तबादला, देवघर डीसी राहुल कुमार सिन्हा होंगे गिरिडीह के नए उपायुक्त। इधर नगर निगम के आयुक्त का भी हुआ प्रमोशन, अब जामताड़ा के उपायुक्त के रूप में संभालेंगे पदभार। तो ये था हमारा आज का अंक, आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक लीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।